नमस्कार। कोई एक कमेंट करके ज़रा बता दीजिएगा, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। कोई एक कमेंट करके बता दीजिए ज़रा, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। हेलो। हाँ भैया, हेलो हेलो। अरमान कुरैशी भाई कह रहे हैं, डू यू हैव एनी गुड न्यूज़? भाई गुड न्यूज़ क्या होगी इस समय में, बता दीजिए आवाज़ आ रही या नहीं आ रही। हाँ आ रही। अमित उपाध्याय भाई कह रहे हैं आ रही। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि 31661 और 37339 के बारे में बड़े व्यवधान चल रहे हैं काफ़ी दिनों से लोगों के बीच में, हम आपके बीच में। देखिए अब 200 लोग जुड़ चुके हैं, हम अपनी बात बहुत कम आ रही, दिग्विजय भाई कह रहे हैं। एक मिनट, देखिए हम अपनी बात शुरू करते हैं और लोग जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। देखिए 19 सितंबर को जब 19 सितंबर को जब बेसिक शिक्षा परिषद के लिए एक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से एक आदेश आया था 31661 के लिए कि रिक्त पदों पर भर्ती की जाए, अन्य पदों को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद बहुत हलचल उठी थी कि कितनी जल्दी से जल्दी ये भर्ती पूरी की जाएगी और कैसे की जाएगी। सबसे बड़ी बात तो लगभग 4-5 दिन उठापटक के बाद जब बेसिक शिक्षा परिषद अपर सचिव महोदया रेणुका मैम के यहाँ से एक आदेश जारी हुआ था, तो उस आदेश पे उन्होंने इसी भर्ती के संबंध में कुछ चीज़ें निर्देशित की थी कि वो भर्ती की प्रक्रिया को अगर बढ़ाएंगी, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये आदेश शासन से आया हुआ था। तो शासन से आए हुए आदेश पर जब भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था, तो उन्होंने साफ साफ अपने उस जारी किए हुए मतलब बेसिक शिक्षा परिषद के लिए उन्होंने जो जियो जारी किया था उस पर साफ साफ उन्होंने लिखा था कि 37339 पदों को मतलब सॉरी 31661 पदों पर जो भर्ती की जाएगी वो पूर्ववत जो 69,000 के सापेक्ष मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा चुकी है उस पे जिसको जो भी जनपद अलाट हुआ है और आरक्षण के विधिवत नियमों को पालन करते हुए जिसको जो जनपद अलाट हुआ है उसी में से समानुपातिक रूप से जिलों को 46% सीटें देते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उसके बाद मैंने अपने लाइव सेशन में शायद 2-3 दिन बाद हर तरह से उसको एनालिसिस किया था, तो आपको बताया था कि ये किसी भी तरह से अगर भर्ती प्रक्रिया को इस 31661 के पद पे आगे बढ़ाते हैं तो यह भर्ती प्रक्रिया फंस रही है, मतलब कहीं से भी किसी भी एक तरह से। देखिए हम आप तो सामान्य अभ्यर्थी हैं, वहाँ पर बैठे हुए जो गजटेड अधिकारी हैं वो आईएएस पीसीएस की श्रेणी में हैं, और जब अचानक से शासन की तरफ से कोई निर्देश या शासन क्या कहें आप उसको, ये कहें कि सर्वे सर्वा माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जब कोई निर्देश आता है तो अगर उस पर कोई भी संभावना होती है तो शासन उस दिशा में आगे जरूर से जरूर बढ़ता है। लेकिन अब क्या हुआ कि वो भर्ती चारों तरफ से जब फंस रही है, तो आप देखिए 19 तारीख से लगा के आज लगभग 6 तारीख हो गई है, सॉरी 24 तारीख से लगा के अगर आप देखिए तो आज 6 तारीख हो गई है, लेकिन शासन उस दिशा में बिल्कुल भी आगे बढ़ नहीं पा रहा है बेसिक शिक्षा परिषद, क्योंकि वो भर्ती चारों तरफ से कहीं से भी ऐसी लिस्ट नहीं आ पा रही है जो कि भर्ती को फंसाए ना। अब ये चीज़ें क्यों उत्पन्न हो रही? देखिए पहले क्या हुआ था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी हम सब मुद्दों पे आएंगे, धरना का मुद्दा क्या हो सकता है, आदेश क्यों नहीं आ रहा है, आगे की सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस भर्ती के बेस पे, कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं 31661 हो गई तो 37339 कभी नहीं होगी, फिर कह रहे हैं 31661 ऐसे हो जाएगी कि चैलेंज नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। देखिए 31661 के लिए अगर इन्होंने 146,000 में से डायरेक्ट फॉर्म खोल दिए और प्रदेश स्तर पे मेरिट को गिराते हुए क्रम में इन्होंने पूरे जिले सबके चेंज कर दिए और मेरिट को डिसाइड कर दिया, तो पूरी तरह से विज्ञापन चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जो आपका पुराना विज्ञापन चल रहा है वो 69,000 पदों के सापेक्ष है,
न कि 31,661 पदों के सापेक्ष है। कुछ बेसिक सी चीज़ों को समझिएगा। तो जब 31,661 पदों के सापेक्ष आपका कोई विज्ञापन नहीं प्रकाशित हुआ है, 69,000 पदों के सापेक्ष विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, आपके पास दोगुना से अधिक अभ्यर्थी पास हैं, तो आप 69,000 के विज्ञापन पे कभी भी 31,661 की भर्ती नहीं कर सकते हैं। पहली बात समझिएगा, आप उसको एक चरण दिखा के दूसरे चरण में आपको 37,339 करनी ही पड़ेगी। बहुत से साथी हमारे कहते हैं कि 37,300 अगर 31,661 इन्होंने कर दी तो 37,339 कभी भी नहीं करेंगे। देखिए, ये 37,339 से कभी भी भाग ही नहीं सकते हैं। अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 60-65 के पक्ष में निर्णय आता है और हमारा लोकस मजबूत होता है, तो ये किसी भी परिस्थिति में 37,339 से सरकार भाग नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है महीने दो महीने वो डिले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका विज्ञापन जो जनरेट है वो 69,000 पदों के सापेक्ष है और विज्ञापन पे आपके दोगुना से अधिक अभ्यर्थी पास हैं और आप उस कंडीशन पे 31,661 को उसी मेरिट से नियुक्त कर रहे हैं जो आपने एक फाइनल चयन सूची बनाई थी, उसी में से आप इतने को नियुक्त करने जा रहे हैं। पहली बात। दूसरी, आपकी भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होके आई थी। आनंद बनाम स्टेट 1,37,000 पदों पे जब समायोजन निरस्त करता है तो कहता है अगली दो भर्तियों में शिक्षा मित्रों को लगातार मौका देना है, और मौका देने के बाद इन मतलब पदों को दो भर्तियों में कंसीडर करना है। अब बहुत से लोग कह रहे हैं, अब देखिए आपको विडंबना बताएं भी क्या हुआ है। कुछ दिन पहले हम लोग SCERT पे गए हुए थे तो 31,661 पे वो विडंबना आ रही है कि कुछ जो जनपद हैं जहाँ पे 150-150 सीटें हैं, जैसे मान लीजिए कानपुर का जनपद है, लखनऊ जनपद है, आपका ये ले लीजिए शामली हो गया, थोड़ा सा इधर हमारे इधर के पूर्वोत्तर के जो जनपद हैं इधर ले लीजिए, तो यहाँ के जनपदों पे 150-150-200 सीटें हैं। तो इस परिस्थिति में क्या हो रहा है कि कुछ शिक्षा मित्र जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे पास हैं, मान लीजिए उन्होंने बिल्कुल 90 नंबर पास किया है या 97 नंबर पास किया है, तो जब बाउंड्री, इंद्रमणि बिंद कह रहे हैं हमारा हो रहा कि नहीं हो रहा कि हम इस पे पहले बोलें, अरे आपका हो रहा है, आपको मुबारक है, हमारा नहीं हो रहा है, हमारी टीम में से सिर्फ विनय प्रताप सिंह जी का हो रहा है, आज के बाद इस तरह का बार बार प्रश्न मत करिएगा। ठीक, हमारा हो या ना हो इस चीज़ से मतलब नहीं है, हम 37,339 और 31,661 को मिला के 67,867 की चयन सूची पर बात करेंगे। ठीक, तो कुछ जनपद ऐसे हैं जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, इधर मतलब जहाँ पे 150-150-200 सीटें हैं वहाँ वो विडंबना आ रही है कि जब 46% की सीटें वो ऊपर से उठा रहे हैं, चाहे जिस भी तरह से उठाएं, तो 60-65 पे उत्तीर्ण हुए शिक्षा मित्र बाहर हो रहे हैं। आप ये समझ लीजिए, अरे आप ये सोचिए, आप किसी भी कंडीशन में 31,661 को करिए, लेकिन 60-65 पर पास शिक्षा मित्र का लोकस वास्तविकता में आज के समय में BEd और BTC से ऊपर है भाई, क्योंकि ये उनकी भर्ती है। उनकी भर्ती जब वहां से आई, उनकी भर्ती वहां से आने के बाद उनकी भर्ती का सबसे पहले लोकस बना। अब उन्होंने 60-65% का नंबर भी प्राप्त किया और उनको एक एडवांटेज भी मिला, तो आपको उनको तो नियुक्ति देनी ही पड़ेगी, कैसे भी दीजिए। अब वहां पे क्या हो रहा है, 46% सीटें जब कंसीडर कर रहा है तो वो शिक्षा मित्र 46% के नीचे आ रहा है। तो अब अभी लेटेस्ट की बात है, शायद 7-8 शिक्षा मित्र उस दिन SCERT में ही मिले थे, वो लोग इस तरह से फंस रहे हैं कि वो उस 60-65 के लोकस में नीचे आ रहे हैं। तो ये मान लीजिए कि अगर 31,661 की सूची किसी भी तरह से प्रकाशित ये कर रहे हैं तो हर तरह से विभाग फंस रहा है। शायद विभाग इसी वजह से विलंब करता जा रहा है, क्योंकि विभाग, मेरा जो व्यू है, विभाग अब भर्ती को शायद फंसाना नहीं चाहता। अगर विभाग फंसाना चाहता होता तो 31,661 को वो चयन सूची जारी कर देता और उसके बाद फिर कम से कम दसियों मामले जो अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं उसके नए मामले कोर्ट में आ जाते, इसी 67,867 की लिस्ट के भीतर के ही 200 लोग कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब देखिए क्या है, अगली बात हम करते हैं। जो लोग, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर 31,661 हो गई तो 37,339 को सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि ये भर्ती जब भी पार्ट टू की कोई भर्ती बचती है तो भर्ती पेंडिंग पड़ी रहती है। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, 29,334 सबसे पहले 72,825 ले लीजिए, 72,825 की भर्ती में क्या हुआ था, जब 15वां अमेंडमेंट वहां पे सही साबित हो गया तो 6,000 सीटों पे कोर्ट ने ये कहा कि यदि राज्य सरकार चाहे तो पुराना अमेंडमेंट गलत है, लेकिन हम इस पे भर्ती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भर्ती हो चुकी है और इसको हम आर्टिकल 142 के तहत
हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन 6,000 सीटों पर अब आप नियुक्ति नहीं करेंगे। अगर आप चाहें तो इन पे नए विज्ञापन के तहत नियुक्ति कर सकते हैं। और वहाँ दो सरकारों का मामला फंस गया, तो सरकार ने भर्ती पे आगे कोई स्टैंड 6,000 सीटों पे नहीं लिया। अब आते हैं 29,334 पे। 29,334 पे आज की डेट में 7 काउंसलिंग हो चुकी थी। 7 काउंसलिंग होने के बाद भी वहाँ पे सीटें नहीं भरी, इस वजह से वो ऐसी की तैसी फंसी रही। 12,460 सिंगल बेंच से होता हुआ मैटर सुप्रीम कोर्ट गया है, न कि सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स मैटर सिंगल बेंच में आया और फिर सिंगल बेंच से डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट गया। अब आप बताइए, यहाँ से जब 60-65 का डिसीजन आ जाए, अगर मान लीजिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो ये भर्ती को किस बेस पे रोक सकते हैं? नहीं करने की बात कर रहे हैं, रोकने की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, डिले एक अलग बात होती है, महीने दो महीने का डिले और भर्ती को बिल्कुल क्लोजर रिपोर्ट लगा के बंद कर देना एक अलग बात होती है। ये डिले बिल्कुल कर सकते हैं, ये एक दो महीने, क्योंकि चुनाव एक पार्ट निकल जाएगा तो हो सकता है धरना प्रदर्शन अन्य चीज़ों के हमें करना पड़े, तो थोड़ा सा एक दो महीने डिले कर सकते हैं। लेकिन भर्ती को, ये 69,000 की भर्ती को 60-65 पे निर्णय आने के बाद किसी भी कंडीशन पर ये रोक नहीं सकते हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि ये भर्ती ना करें। क्यों? क्योंकि पहली बात, इन्होंने विज्ञापन जो प्रकाशित किया है वो 69,000 पदों के सापेक्ष चल रहा है, ना कि 31,661 के सापेक्ष। दूसरी बात, ये भर्ती माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन पर होकर आई है, आनंद बनाम स्टेट से हो रही है भर्ती, और आपकी भर्ती अब फाइनल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, न कि सिंगल बेंच से हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद आते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई धरना कर लीजिए, धरना से हो सकता है कुछ चीज़ें हो जाएं, धरना प्रदर्शन किया जाए। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं कि धरने को मेरा पूरा समर्थन है, मैं धरने का विरोध नहीं करता हूं। आप जब कहेंगे उस दिन मैं धरना करने आ जाऊंगा, जिस दिन भी सब लोगों का सामंजस्य बनेगा, हमें धरने का कोई विरोध नहीं। किंतु बहुत बेसिक सी एक बात बताइएगा कि धरने का जो लोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? भाई, आप धरने में क्या मांग रखेंगे? आप धरने में कहेंगे कि नहीं, आप 31,661 की भर्ती ना करिए? आप सरकार से ये किस बेस पे कह सकते हैं कि आप 31,661 की भर्ती ना करिए? सरकार 31,661 की भर्ती करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्यों? क्योंकि 69,000 के सापेक्ष विज्ञापन जारी हो चुका है, इसलिए सरकार 31,661 की भर्ती अब 69,000 के विज्ञापन पे नहीं कर सकती है। 31,661 पे इसलिए करने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि 31,661 का डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय से सरकार को मिला हुआ है। तो इसलिए 31,661 को न करने का लोकस आप धरने में रख ही नहीं सकते। दूसरी बात, आप किसी अन्य बेस पे अगर धरना करना चाहते हैं तो वो बेस आप बता दीजिए कि आप धरने, मतलब धरने का बेस क्या होगा? कि आप धरने का बेस ये रखेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश जारी हो, आप इस बेस पे कभी भी धरना नहीं कर सकते हैं। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, हम सब सिस्टम के मारे हुए हैं। माननीय न्यायपालिका अगर हमारे साथ कुछ सही नहीं कर रही है तो उस पर हम सब सिर्फ और सिर्फ सोच सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं। भाई, आप एक आदेश के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगेंस्ट में कभी भी आदेश के लिए बस एक एक प्रोसेस जो है न्यायालय का, उसको फॉलो कर सकते हैं, आप धरना और प्रदर्शन उसके लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, तो लोग कहते हैं क्या धरना प्रदर्शन नहीं होगा? देखिए, धरना प्रदर्शन बिल्कुल होगा। अगर किसी भी कंडीशन पे 31,661 की टूटी फूटी भर्ती सरकार आगे बढ़ाती है तो आपको ये मान के रखिए कि 37,339 के लिए एक एक अभ्यर्थी को अपने में तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि 31,661 की भर्ती अगर इस कंडीशन में आगे बढ़ाई जाएगी तो 100% आप मान लीजिए कि टूटी फूटी भर्ती ही होगी। वही जैसे छोटे में हम लोग खेल खेलते थे, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100, पता नहीं किसका हो गया। 31,661 की लिस्ट पे ये होने वाला है। आप समझ लीजिए, जहाँ पे 2400 सीटें हैं, 2200 सीटें हैं, 2100, 2000 सीटें हैं, वहाँ पे शायद 69 सामान्य वर्ग और 67 जनरल का चयन हो जाए, लेकिन जहाँ पर 150 सीटें हैं वहाँ पे 80 सामान्य वर्ग और 78 OBC बाहर हो जाएगा। तो इतनी बड़ी विडम्बना इस लिस्ट के भीतर आने वाली है। तो आप मान के चलिए, अगर 37,339 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से 60-65 का जजमेंट आता है तो आप सभी को धरने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना पड़ेगा, और उस कंडीशन में मेरी पूरी टीम आपके साथ में है। मैं अन्य किसी टीम का समर्थन या विरोध नहीं बताता हूं कि वो क्या अपनी मंशा रखती है,
लेकिन जिस दिन भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 60-65 के अधीन में निर्णय आएगा, 3 या 4 दिन के भीतर विभाग से बात करने के बाद कि आप किस दिन जीओ जारी करेंगे, अगर उन्होंने ज़्यादा टाइम पीरियड बताया तो हम एक अनवरत धरना करेंगे, जब तक कि जीओ जारी नहीं हो जाएगा तब तक। उसके पहले धरने का यदि कोई लोकस किसी भी अभ्यर्थी को समझ में आता है तो मेरा धरने को पूरा समर्थन है। वो अभ्यर्थी अपना लोकस बताए कि इस लोकस पे धरना किया जाए तो कोई भी व्यवधान नहीं हो सकता है। भाई 31661 को रोकने के लिए आप धरना कर नहीं सकते, न्यायालय से आदेश जारी करने के लिए आप धरना कर नहीं सकते, तो आप धरना करेंगे किस बात पे? आप धरना इस बात पे नहीं, मेरा धरना करने का ये मतलब कतई नहीं है कि आप नया विज्ञापन जारी करिए और फिर 31661 का विज्ञापन जारी करके फिर से फॉर्म भराइए, फिर से प्रक्रिया करिए। ठीक, तो ये हो गई हमारी बात। अब मेन बात आती है, इसके बाद आप लोगों से प्रश्न ले लेंगे, मेन बात आती है कि सरकार या लोग कहते हैं कि सरकार जजमेंट को रोक रही है या सरकार को अंदाजा हो गया है कि 60-65 आने वाला है कि 40-45 आने वाला है। भाई मेरे, जो लोग इस तरह की बातें उठाते हैं, मैं उनसे बहुत एक कॉमन सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये बताइए, 31661 का जो आदेश जारी हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, जो रिलीफ मिली थी 31661 के लिए, वो 6 जून को मिली थी, आपको याद होगा। 6 जून को आदेश मिलने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे 31661 की भर्ती 4 महीने में शुरू नहीं की गई, जब हम आपने ताली थाली और गाली हर एक चीज सोशल मीडिया पर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के दिन बजाई, उस दिन आनन फानन में 2 दिन बाद 31661 का आदेश जारी कर दिया गया। तो अब आप बताइए, क्या 2 दिन के भीतर सीएम साहब ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज से क्या इस पे डायरेक्शन ले लिया है कि भाई 60-65 पे दे रहे हो, कि 40-45 पे दे रहे हो, कि 30-33 पे दे रहे हो? भाई इस तरह की जबरदस्ती की बातें देखिए मत करिए। जजमेंट मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जो भी आएगा वो एक आएगा, 40-45 बनाम 60-65। हम आज भी मजबूत हैं, जजमेंट सिर्फ और सिर्फ 60-65 पे ही आना है, ये दिमाग से आप निकाल दीजिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट हमेशा नज़ीर बनते हैं और सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना है कि गेम ऑफ द रूल चेंज कहीं नहीं हुआ है, तो जजमेंट तो हमारा आपका है ही, बशर्ते अब वो आनन फानन में एक तरह से मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आदेश जारी हुआ, उसको किसी न किसी तरह इम्प्लीमेंट करना था, तो विभाग उस पर थोड़ा सा आगे बढ़ा। और इस पे ये कहना कि नहीं, उनको जजमेंट पता चल गया है वहां से कि भाई 40-45 आ रहा है, इस वजह से वो इतने पदों पे करने जा रहे हैं, या इस वजह से वो 60-65 पे इतने पदों, भाई वो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट पर अगर देखा जाए, बाकी लोग बहुत कुछ कहते हैं तो देखा जाए तो राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पर तो अपना आधिपत्य नहीं जमा सकती हैं, बिल्कुल कभी नहीं जमा सकती हैं, आप दिमाग से ही निकाल दीजिए, ठीक है ना? तो अभी जजमेंट का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ आप अपनी बहस से और अपने तर्कों से लगा सकते हैं, उसके अलावा जजमेंट का कोई किसी सरकार को अंदाजा नहीं या नहीं कुछ ऐसा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ताली और थाली का नतीजा था जिसका विरोध प्रदर्शन हम लोगों ने किया, तो आनन फानन में एक आदेश जनरेट कर दिया गया, और वो आदेश सिर्फ बेसिक शिक्षा विभाग के लिए नहीं आया था, वो सभी विभागों के लिए गया था, जहां जहां पे भर्ती फंसी थी वहां वहां पे सब चीजें चल रही थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। आप कहते हैं कि जजमेंट में इतना विलंब क्यों हो रहा है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए मैं भी मानता हूँ कि जजमेंट में विलंब हो रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक में जाएं तो आप देखिए कि जस्टिस शांतनु गौडर जो सर हैं, पिछले लगभग 1.25 महीने से, 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट की लगभग 30 बेंचें चल रही हैं, 28-30 बेंचें, उस किसी भी बेंच पे वो बैठते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो आप समझिए, आपका जजमेंट रिजर्व करने वाले 2 लोग थे, अब उसमें से एक जज साहब गायब चल रहे हैं, परमानेंट मतलब बेंच से नहीं गायब हैं, कोर्ट से ही गायब हैं, हो सकता है उनकी कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियां हो, किसी वजह से वो कोर्ट से गायब चल रहे हैं। अब जब वो कोर्ट से गायब हैं तो ये एक बेसिक सा रूल होता है कि जब भी आपका जजमेंट सुनाया जाएगा तो दोनों जजों की आपसी सहमति और दोनों जजों का होना जरूरी है वहां पे, तो जब तक दोनों जज नहीं आएंगे शायद तब तक आपका जजमेंट नहीं सुनाया जाए। तो अब आपने देखा कि पिछली 5 तारीख को अभी एक रोस्टर आया है जिसमें जज साहब शांतनु सर आ गए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई बेंच मेंशन नहीं हो पाई है कि वो इस बेंच में बैठेंगे या उस बेंच में बैठेंगे। तो आप ये चीज मान लीजिए कि जब तक जस्टिस शांतनु सर की बेंच मेंशन नहीं होगी तब तक हम आप जजमेंट के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि जजमेंट कब आएगा, उसके लिए हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं, और वो प्रतीक्षा की समय सीमा 24 तारीख से खत्म हो जाएगी,
24 ऑफ दी अक्टूबर, क्यों? क्योंकि तब 3 महीने हो जाएंगे, तो हम एक रिमाइंडर एप्लीकेशन, शायद सारी टीमें या सरकार, लोग कहते हैं कि राज्य सरकार जाके रिमाइंडर एप्लीकेशन दे दे, वो रिमाइंडर एप्लीकेशन भी राज्य सरकार 3 महीने के बाद ही दे सकती है, उसके पहले नहीं दे सकती है। तो आप ये मान लीजिए कि जब वो 24 तारीख कंप्लीट हो जाएगी तो शायद सभी टीमें इस दिशा में प्रयास करेंगी, या उसके पहले जजमेंट आ जाएगा, या फिर उस दिन रिमाइंडर एप्लीकेशन के लिए सभी टीमें प्रयास करेंगी। तो इस परिस्थिति में मैंने अपना स्टैंड देखिए धरने के लिए भी क्लियर कर दिया, 37339 के लिए भी क्लियर कर दिया, 31661 के लिए भी क्लियर कर दिया कि 31661 की सूची इस 67867 से निकालना किसी भी दशा में अविवादित सूची बनाना ये हो ही नहीं सकता है। बगैर सूची को अविवादित किए हुए ये सूची बना ही नहीं जा सकती। अगर सूची विवादित नहीं करेंगे तो ये सूची नहीं बनेगी, आप ये मान लीजिए। मैंने बहुत इसमें एनालिसिस करके देख लिया, किसी भी तरह से सूची नहीं बन पा रही है, और ये भर्ती फंसेगी या ये भर्ती फंस जाएगी बाद में, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको याद हो 68500 की नियुक्ति प्रक्रिया में क्या हुआ, 31661 का जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ, 31641456 का, तो 6000 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी शायद बाहर हो गए। उन्होंने अगले ही दिन धरना और प्रदर्शन किया, उनको तीसरे दिन सरकार ने नियुक्ति पत्र प्रदान की थी। हाँ, ये सत्य है, इस बात को हमें आपको मानना पड़ेगा कि यदि 31661 को सरकार टूटा फूटा कराती है तो आप गांठ बांध के रखिएगा कि 37339 की भीड़, एक एक अभ्यर्थी जो इस लिस्ट में है, उसको लखनऊ की सड़कों पर एक ही दिन में आना पड़ेगा। भले ही उसके घर में कोई हादसा हो जाए, आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप ये मान के चलिए अगर आपको नियुक्ति लेनी है तो आपको सड़क पे उस दिन आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब सरकार एक तरह से उस चीज़ को डिले करने का प्रयास करेगी कि कितना डिले कर ले जाए, और हमें उस प्रयास को विफल करना होगा। तो ये रही हमारी बात। अब आप देखिए, सारी चीज़ों पे लगभग हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि देखिए, जजमेंट के बारे में आपको बता दूं, जब तक शांतनु सर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बेंच में आते हुए नहीं दिखेंगे, वास्तविकता है कि शांतनु सर सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, क्योंकि रोस्टर पे भी उनका नाम आ चुका है, और जैसा कि एवार्ड सर के माध्यम से भी बात करने पे पता चला था कि 15 तारीख तक संभावित है जजमेंट आ जाए, लेकिन आज हमने देखा कि अरुणेश कुमार की जो याचिका है उस पे टेंटेटिव डेट 24 तारीख दिखा रहा है। तो अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि जजमेंट कब तक आएगा। देखिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग जो भी प्रश्न अगर कोई है करना चाहें तो बताएं। मान लीजिए एक लोग मर जाते हैं तो क्या बलराम मंडल कह रहा है, मान लीजिए एक लोग मर जाते हैं तो क्या निर्णय नहीं आएगा? बदतमीजी की हद होती है, थोड़ा शर्म करो कि किसके बारे में ये चीज़ें लिख रहे हो भाई। आप लोग सोशल साइट पे ये चीज़ें लिख देते हो, लिख कैसे देते हो भाई, मान क्यों लीजिए? अभी क्या हुआ है क्या आपके सामने यह हादसा? उस समय में बेंच कॉन्जिक्यूट की जाती है, आप लोग बेवकूफ हो, थोड़ा सा विभाग में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीज़ें पढ़िए आप, ठीक है? बस आके मुंह उठा देते हो भाई। ये बताओ कि हाँ, मयंक शुक्ला कह रहे हैं कि 32K के लिए 38K सीटें क्यों होल्ड है? भाई 32K के लिए 38K सीटें नहीं होल्ड हैं। असल में हुआ क्या था, सीटें जिस दिन होल्ड की गई थी उस दिन सरकार ने कोई डाटा नहीं दिया हुआ था, तो एक अप्रॉक्स डाटा होल्ड कर दिया गया था, और जब सरकार ने डाटा दिया तो वो डाटा कुछ और निकला, इस वजह से वो डिस्प्यूट चल रहा है। नमस्कार ब्रजेंद्र भाई। स्नेहा भारती, लिस्ट कैसे बनेगी? लिस्ट मैम कैसे बनेगी, ये किसी भी तरह से अविवादित हो ही नहीं पा रहा है कि अविवादित लिस्ट कैसे बनेगी। 31661 में हॉरिजॉन्टलाइजेशन, मैम कुछ नहीं पता है अभी कि ये लिस्ट कैसे बनाएंगे। इन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद अपर सचिव ने जियो जनरेट करते हुए लिख दिया है कि किसी भी अभ्यर्थी का जिला परिवर्तित नहीं होगा और रिजर्वेशन का फॉलो किया जा चुका है। अर्थात अब इन्होंने अगर जिला परिवर्तित किया या रिजर्वेशन पे कुछ भी किया तो पूरा का पूरा विवाद आने वाला है। लालचंद्र पाल कह रहे हैं, भाई बता चुके हैं बार बार वही बात ना। अरे भाई, 12 को भी तो एक डेट है। सौरभ यादव, 90 वर्किंग डे भाई पूरे हो जाएंगे 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को। सुनील कुमार भाई, हाँ 22,000 सीट पे, देखिए 22,000 सीट पे जो बीएड लीगल टीम की तरफ से सहयोग लिया गया था, मैं स्पष्ट कर दूं,
कि वो सहयोग आज भी आपका उसी तरह से है जब हम सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं। जिस मुद्दे पे आपसे सहयोग लिया गया है हर उस मुद्दे को लड़ा गया है, चाहे वो वेटेज मुद्दा हो, चाहे वो बीएड मुद्दा हो, चाहे वो कट ऑफ मुद्दा हो। तो 22,000 के साथ ही बिल्कुल निश्चिंत रहें, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ से बात करने पर पता चला है कि जब तक 67,867,69,000 के लिए जो भी रिजर्व आदेश है वो जारी नहीं कर दिया जाएगा तब तक रिक्त वैकेंट सीटों पर कोई भी एसएलपी या रिट यहाँ पे नहीं आ सकती है। इस वजह से वो मामला थोड़ा सा पेंडिंग चल रहा है, जैसे ही आपका आदेश आ जाएगा आपकी वो रिट फाइल कर दी जाएगी। अरविंद यादव त्रुटिचंद दोषन होगा कि नहीं भैया? बिल्कुल होगा, ये कोई इतिहास परिवर्तित होने नहीं जा रहा है, निश्चिंत रहिए। कुमार अरमान कह रहे हैं 1,46,000 के सापेक्ष, 1,46,000 के सापेक्ष दोबारा लिस्ट भैया जनरेट नहीं होगी क्योंकि विज्ञापन 69,000 का है, 69,000 के विज्ञापन पे 37,339 की नियुक्ति नहीं हो सकती, दोबारा ये 37,339 का विज्ञापन करना पड़ेगा। रवि नंदन, महाधिवक्ता महोदय के माध्यम से भी, महाधिवक्ता महोदय वहाँ पे नहीं होते हैं, वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, उनके माध्यम से भी प्रे भाई 3 महीने के बाद ही की जा सकती है। चलिए 46% ऊपर से लेंगे या फिर, भैया सोनू यादव जी ये किसी को नहीं पता 46% ऊपर से लेंगे या नीचे से लेंगे, अगर ऊपर से ले रहे हैं और नीचे से ले रहे हैं चाहे जहाँ से ले रहे हैं हर जगह से डिस्प्यूट बना रहे हैं, कहीं से भी डिस्प्यूट बच नहीं रहा है। और शायद इसीलिए विभाग इस चीज़ को थोड़ा सा पेंडिंग लेके चल रहा है, विभाग खुद नहीं, मुझे ये लगता है, मैं आपको व्यक्तिगत राय बताऊं, मुझे खुद इस बार विभाग पे थोड़ा सा वो भी आ रहा है कि वास्तव में विभाग काम करना चाहता है। आप एक समझिए कि हम आप तो बहुत बेसिक से मतलब स्टूडेंट हैं, जब हम आप इतना चीज़ों को समझ रहे हैं तो वहाँ तो आईएएस पीसीएस लेवल के एक अधिकारी बैठे हुए हैं, वो इस बार परिषद से कोई जियो जनरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो खुद जान रहे हैं कि अगर हमने कोई जियो जनरेट किया तो मामला फंस जाएगा। शायद विभाग खुद नहीं इस भर्ती को, विवादित भर्ती को आगे बढ़ाना चाह रहा है, विभाग खुद चाह रहा है कि 69,000 के सापेक्ष निर्णय आए और हम पूरी भर्ती को आगे बढ़ा दें, शायद इसी वजह से मामला इतना पेंडिंग चल रहा है। भाई आप समझिए 24 तारीख को अपर सचिव बेसिक का एक आदेश जारी होता है, उसके बाद आज दिन तक की वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। नवनीत मिश्रा, हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एप्लीकेशन का क्या हुआ? भैया हमारी एप्लीकेशन लिस्टेड है, जिस दिन भी बेंच बैठेगी उसी दिन वो एप्लीकेशन लिस्ट होके आएगी क्योंकि शांतनु सर अभी आए नहीं है, आपने देखा। मेरठ में 129 सीटें हैं भाई, मेरठ में 129 हैं और इसी तरह कानपुर लखनऊ में भी 150-150 200 सीटें हैं, यहाँ पे शिक्षा मित्र भी बाहर हो रहा है जो 60-65 पे है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे 80-85 वाला बाहर हो रहा है, आप क्यों भाई उसी बात को कह रहे हैं? सरकार प्रे नहीं करती 3 महीने के बाद भी लीगल टीम प्रे कर, बिल्कुल भाई प्रे की जाएगी, 3 महीने की समय सीमा तो पूरी होने दीजिए। चलिए जो भी प्रश्न है जल्दी से मुद्दों पर बात करिए, लिस्ट कब तक आएगी? इसके यादव भैया लिस्ट के लिए आप बेसिक शिक्षा परिषद में जाइए, वहाँ से पता करिए, हमें नहीं पता, या आप ही बना के दे दीजिए इस तरह की लिस्ट जो अविवादित रहे तो शायद वही जारी कर दे परिषद। संदीप सैनी जी, भैया ज्यादा गुणांक वाला जहाँ पे कम सीटें हैं वहां से बाहर हो रहा है और कम गुणांक वाला जहाँ पे थोड़ी सीटें हैं वहां से भीतर हो जाएगा, ये वास्तविकता है। इस भर्ती में अगर इस लिस्ट को बिल्कुल भी छेड़ा गया, इस लिस्ट को छेड़ने का मतलब है इस लिस्ट के दो पार्ट करके अगर भर्ती की गई तो बहुत सारे व्यवधान आने वाले हैं। सबसे पहला देखिए 200 जगह से ये चैलेंज होगी जाके, कम से आधे लड़के चैलेंज करेंगे जाके कि भाई हम ज़्यादा गुणांक वाले थे बाहर हो गए, आधे चैलेंज करेंगे कि रिजर्वेशन तो नीचे फॉलो होता है हम बाहर हो गए, आधे चैलेंज करेंगे जाके कि इसी लिस्ट के एक ही विज्ञापन के आधे को आपने सीनियर कर दिया, उसी लिस्ट के आधों को आपने जूनियर कर दिया, तो बहुत सारे चैलेंज बन जाएंगे, ये विभाग भी जानता है। इसके यादव जिले बेस पे भर्ती नहीं होती, बेसिक शिक्षा नियमावली का 23वां संशोधन पढ़िए, ठीक है? बेसिक शिक्षा परिषद लोगों के फॉर्म आवंटित करता है, फॉर्म आवंटित होने के बाद आप उसके फॉर्म भरते हैं, वहां से एक मेरिट प्रकाशित की जाती है, वो मेरिट जिलों को भेजी जाती है, तब जिले पे आपकी डीवी की प्रक्रिया शुरू की जाती है, ठीक है? जिले का हमारी भर्ती से सिर्फ डीवी से मतलब है, मेरिट का स्क्रूटनाइज जो करता है, मेरिट जो प्रकाशन करेगा वो बेसिक शिक्षा परिषद करेगा। 23वें संशोधन का नियम 14-2 आपका कह रहा है, पढ़िएगा उसको। चलिए अच्छा, अब मुद्दे की बात खत्म हो गई, फिर हम बताते हैं, आप जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके अपना पीछे से देख लेंगे, सारे मुद्दे हमने कंक्लूड कर दिए। अरविंद यादव, त्रुटि संशोधन भाई होगा, मैं कैसे कह दूँ? त्रुटि संशोधन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अर्चना चौहान जी का जजमेंट आ चुका है, आपने उस जजमेंट में पढ़ा, वो कैंडिडेट ऐसी थी जो पूरी मेरिट लिस्ट के बाहर की थी और विभाग ने ना ही उसके लिए कोई अभी तक जियो जनरेट किया है ना ही कुछ किया है, अब कोई हमें बता दे कि क्या उसको कोई बाहर कर सकता है?
भाई त्रुटि संशोधन कोई बेसिक शिक्षा विभाग में पहली बार नहीं हो रहा है ह्यूमन एरर्स के लिए, कि इतिहास नहीं बदलने जा रहा है, कि लोग कह रहे हैं कि नहीं इतिहास बदलने जा रहा है पहली बार तो ये हो हल्ला मचा हुआ है। भाई बेसिक शिक्षा परिषद में त्रुटि संशोधन सन 2004 से हो रहा है, हमारे पास जजमेंट पड़े हुए हैं 2004 के, खंडपीठ के 2008 के हैं, 10 के हैं, 13 के हैं, 17 का है लास्टली, 17 जो 6500 का, कम से कम दसियों जजमेंट पड़े हैं भाई, आप लोग परेशान ना होइए ठीक है, अलग अलग जिलों के मेरे। चलिए ठीक है, बात खत्म करते हैं, फिर जो भी चीज़ें होंगी आपके बीच में साझा की जाएंगी। नमस्कार।